और पैसे की लालच में सीओ सीआई किसी और के नाम तो जमीन को कर देते हैं, उसके बाद परेशानी गरीबों को उठाना पड़ता है, में जाना जाता है, कोर्ट में फैसले के लिए कई सालों तक लड़ा जाता है। आप लड़ने के लिए तैयार हैं? जी हम कहाँ लड़ेंगे, हमारा सकान कहाँ है, हम गरीब आदमी। जिले में अधिकारी अगर सही हो जाए तो शायद ब्लॉक स्तर के जो कर्मचारी और अधिकारी है वो मनमानी ना करे और गरीब जनता परेशान ना हो, जैसे इस समय इनका जमीन किसी और के नाम चला गया है, सरकार द्वारा कर दिया गया है लेकिन इन्हें मालूम नहीं। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। यहाँ पर इनका बपौती जमीन है, हाँ, यहाँ पे और यहाँ पर बपौती जमीन है, सरकार नीलाम करती है तो सरकारी जमीन को ही करती है, हाँ, और यहाँ पर देख सकते हैं इनके नाम से रसीद भी यहाँ पर सब कट रहा है, और यहाँ पर खाता नंबर ढूंढने पर 175 निकालने पर इनका नाम साफ साफ आ रहा है, जट्टू, इनके दादा का नाम जट्टू दुसाद, इन्हीं के नाम से जमीन है। और उसके बाद जिनके नाम से यहाँ पर नीलामी किया गया है वो है बबीता देवी जी। बबीता नीलामी जो किया गया है वो किसी नीलामी किसी और के नाम से नाम किया गया है, हाँ। और उसके बाद वो बबीता देवी के नाम से यहाँ पर जमीन को उसमें से 17 धूर लिख दिए, 10 कट्ठा कुछ दूर ये जमीन है, और यहाँ पर अधिकतर ये सीआई और सीओ के चलते होता है, और जो दबंग टाइप के लोग होते हैं वो सीओ सीआई से मिलकर उसमें पैसा देकर जमीन को अपने नाम करवा लेते हैं, और यहाँ पर भी वही हुआ है। एक गरीब व्यक्ति है और शायद हाईवे पर इनका करोड़ों का इस समय उस जमीन का रेट है, इसी के लालच में आकर सीओ और सीआई पैसे लेकर जमीन किसी और के नाम कर दिए हैं, और उसमें नीलामी इसमें लगा दिया गया है कि सरकार के तरफ से इस जमीन को नीलाम किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े फर्जी फाइलें लेकर इन लोगों को ये दिखा रहे हैं, ये फर्जी कागज साफ दिख रहा है, और यहाँ पर नीलामी का एक और कागज है, यहाँ पर देख सकते हैं 1923 में साफ साफ नजर आ रहा है, और इन द कोर्ट ऑफ सब जज बहादुर टू यहाँ पर लिखा हुआ है छपरा, वहाँ से नीलामी हुआ है, और इनका जमीन किसी और के नाम चला गया है, सरकार द्वारा कर दिया गया है लेकिन इन्हें मालूम नहीं है। ये जो पेपर है जो नीलामी वाला पेपर है ये दूसरा किसी का है, लेकिन वो लोग जब बोले हमको तो 10 दिन पहले हम लोग जाके पूरा छपरा में इनका जमीन का जो ये है जो खाता जहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है वहाँ पे ढूंढे, उस जमीन में कहीं पर भी नीलामी का कोई भी मतलब नाम मात्र भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और इस समय देखिए यहाँ पर एक मिनट जमीन की लालच में और पैसे की लालच में सीओ सीआई किसी और के नाम तो जमीन को कर देते हैं, उसके बाद परेशानी गरीबों को उठाना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं अब वो लोग गड़बड़ी कर दिए हैं सीओ सीआई पैसे की लालच में, अब एसडीओ एसडीएम सबके दरवाजे पर जाकर इस समय खटखटा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर साफ देख सकते हैं पूरे अधिकारियों की यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है, प्रखंड विकास पदाधिकारी पचरुखी का भी यहाँ पर गाड़ी है, अरे मामला पचरुखी का ही है, पचरुखी का ही। और आपको कब मालूम चला कि ये गड़बड़ी सीओ सीआई दोनों किए हैं? अभी दो महीना पहले आप सीओ सीआई के पास गए थे इस मामले को लेकर? आज गए थे हम लोग गए थे तो कर्मचारी के पास गए तो चूंकि हम पूछे हैं कि जो बबीता देवी है तो इसका मोटेशन कैसे हुआ, तो उनके पास जाके पूछे तो वो लोग बोले कि आप जाके कर्मचारी से पूछिए कि मोटेशन वहीं से होता है, दाखिल कागज वहीं से होता है। तो हम वहाँ पे गए तो वो बोल रहे हैं कि इनका जमीन 1943 में से नीलामी हुआ है, और जमीन जो बेचे थे जो लिए हैं वो बोले 1925 में, मतलब गोल गोल घुमा घुमा के हमको परेशान करें। तो हम इस समय तो जो सीओ सीआई होंगे वो तो दूसरा आ गए होंगे, हाँ, पचरुकी में ना, अभी दाखिल खारिज जो किए हैं वही लोग बोल रहे हैं कि इसका जो है हम मोटेशन इस आधार पे किए हैं कि इनका जमीन 1943 में सो हुआ। तो हम यही बोले कि पहले वाले व्यक्ति बोला था 1925 में और आप बोले 1943 में, तो अगर तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो कर्मचारी बोल रहे हैं कि उसका जो रिकॉर्ड है 1943 में अगर जो भी जमीन नीलाम हुआ है तो उसका जो है रिकॉर्ड आपको कहीं पे मिलेगा, पूरा छपरा से सिवान में आप जाइएगा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम बोले कि यही बात बताइए सर आप कि जब पेपर आपको मिला ही नहीं, हमको मिलेगा ही नहीं, तो आप मोटेशन कर कैसे दिए? तो वही बोल रहे हैं कि आप ऊपर जाइए, DCLR के यहाँ जाइए, CO के यहाँ आ जाइए। तो सीओ साहब के पास आप यहाँ पर जब आए हैं तो एसडीओ साहब का बोले हैं? एसडीओ साहब अभी मिलने का समय मांगे थे हम, तो बोले हैं 4 बजे के बाद आइए, हम आपका जो है देखते हैं मामला क्या है, उसके बाद से जो होगा सो देखा जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तो जमीन इधर उधर पैसे की लालच में अधिकारी कर्मचारी कर दिए हैं, और इस समय परेशान होना पड़ेगा इसको,
भले ही SDM साहब, DM साहब, इस CO CI को निलंबित कर दे 6 महीने 1 साल के लिए, लेकिन उसके बाद परेशानी इनको उठानी पड़ेगी। ये लड़ेंगे जिसके नाम से इस समय जमीन फर्जी तरीके से क्यों न कर दिया हो, लेकिन इस समय कोर्ट की चक्कर इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जाना जाता है, हिंदुस्तान में जाना जाता है, कोर्ट में फैसले के लिए कई सालों तक लड़ा जाता है। आप लड़ने के लिए तैयार हैं? जी हम कहाँ लड़ेंगे, हमारा सकान कहाँ है, हम गरीब आदमी हैं। तो जमीनियाँ वो तो छीन लेंगे आपसे सब, वही तो मांग रहे हैं। ये किसका लापरवाही मानते हैं? मान लेते हैं कि हम दो आदमी, CO साहब का लापरवाही है, कर्मचारी की लापरवाही है, दूसरा किसको कहेंगे। लोग के CO CI की मनमानी यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़े सी पैसों के लिए गरीब को यहाँ पर कैसे परेशान किया जाता है। इस समय दर दर भटकने पर मजबूर हो गया, ऑनलाइन भी कराया है, सब करा दिए है। अब हम कितना सकते हैं कि हम जाकर लड़ेंगे? तो अब इतना हो गया है कि डर से अपने जमीन पे नहीं जा रहे, जमीन पे डर के मारे नहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग बोले कि नहीं आप जाइए, जो भी है, आप गरीब आदमी है, थोड़ा सा सहायता करेंगे, जितना हो सकता है अपने से आदमी करा जाएगा। लेकिन इनको देखिए, कर्मचारी ना सही से जवाब दे रहे हैं, ना उसका कोई कागज दे रहे हैं। अभी जैसे कि आपको हम दिखा देते हैं, अभी वहाँ पे गए तो एक वकील से बोले कि हमको वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है नकल, तो वो हमको एगो पेपर दिए हैं, फॉर्म दिए हैं, दिखाई दी फॉर्म, बोले हैं कि फॉर्म हमको यही फॉर्म दिलाए हैं कि बोले हैं कि इस पे 12-12 रुपए का आप टिकट लगा लीजिए, और टिकट लगाने के बाद आप मांगिए, अगर नहीं देते हैं तो फिर से देखा जाएगा। अभी हम लोग कम से कम 10 बार मतलब थाना और CO साहब। अच्छा, वो जमीन का इस समय रेट कितना होगा? कम से कम नहीं होगा तो 20 लाख रुपये कट्ठा से कम नहीं है। 20 लाख रुपये कट्ठा, 10 कट्ठा है, 10 कट्ठा 4 दूरे जी। ये इनका बपौती जमीन, इनका मतलब बपौती जमीन, उसमें ये लोग घुस गए, ये लोग रंगदार है, वो वहाँ का भू माफिया लोग हैं वो, देखिए जी, भू माफिया उनको बोला जा सकता है कि, और उसमें भी एक मतलब अलग से आ रहे थे जो धमका रहे थे, क्या नाम था उनका जी, जयलाल यादव करके थे एक, जो वहाँ से कुछ गोपाल कौन सा जगह था, गम्हरिया के जो थे, वही बार बार आके धमकी देना, और एक वहाँ के एक कोई वकील है जो मतलब मुस्लिम है, वही दोनों आदमी मिल के इनको वहाँ से मतलब तुम आ जाओ तो तुमको हम देख लेते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तुमको दिखा देंगे, तुम जमीन पे चढ़ के तो दिखाओ, यही सब बात है। अक्सर जिले में अधिकारी अगर सही हो जाए तो शायद ब्लॉक स्तर के जो कर्मचारी और अधिकारी है वो मनमानी ना करे और गरीब जनता परेशान ना हो, जैसे इस समय ये परेशान हो गए, और कुछ इस समय मालूम भी नहीं है ये कागज लेकर किधर जाए। इनके सपोर्ट में कुछ लोग आए हुए हैं जो इनका मदद कर रहे हैं, इनका चेहरा देखकर, इनका गरीबी देखकर, वैसे तो गरीबों का कोई मदद नहीं करता है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भू माफियाओं और CO CI के द्वारा फर्जी कागज कैसे तैयार किया जाता है। और ये जो है आपका प्रेजेंट में जो ये रसीद कटा है 22-23 का, आप देख सकते हैं इनका जो रसीद है, तो ऑनलाइन रसीद है, क्योंकि ये वर्षों से वैसे ही कटाते आ रहे हैं, अपना जो मलगुजारी है उस समय से कटाते आए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं जमीन का मलगुजारी ये भी समय से कटते आ रहा है, लेकिन ये जमीन CO CI पैसा लेकर किसी और के नाम कर दिए हैं। ऐसे भी सुनने में आता है जो ज़्यादा दबंग टाइप के लोग होते हैं, रंगदार होते हैं, CO CI से मिलकर पैसा देकर लेन देन करने के बाद किसी सार्वजनिक जमीन पर या गरीब के जमीन पर अपना कब्जा जमा लेते हैं फर्जी कागज बना के। ऐसा ही मामला यहाँ पर भी हुआ है, आप देखते हैं सिवान के अधिकारी क्या करते हैं, इनको न्याय दिलवाते हैं या दर दर ये ऐसे ही भटकते रहते हैं। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।